teacher, the poem The Trees. The Trees. This poem is composed by a dame rich. In this poem, the poet has described the condition of the trees. In this poem, the poet comes out and goes down. In Hindi, the trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days. There, no bird would sit, no insect hide, no shanigiri, it sleep in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by moving. In this poem, the poet says, Nindi meaning, कवि पेड़ कहते हैं पेड़ जो अभी तक अंदर थे अब बाहर जंगलों में जा रहे हैं. वे बाहर जंगलों में जा रहे हैं अपने नियत स्थान से. वे जंगल जो इतने दिनों तक जंगल भरे हुए सुनसान खाली था कह रहे हैं क्या. The forest was empty all these days. Where no bird could sit. जहां पर कोई पक्षी नहीं रहते नहीं बैठ सकते थे. No insect hide. यहां तक के कोई कीट पतंग भी छिप नहीं छिप सकते थे. और क्या. No shanigiri its feet in shadow. सूर्य का प्रकाश अंधकार में जहां अपने पैर नहीं The forest that was empty all these nights will be full of trees by moving. वह जंगल जो इतनी रातों से खुला था सुबह होने तक पेड़ों से भर जाता. Next part, all nights the roots were. By forcefully to disengage themselves from the crater in the veranda floor. All night the root work सारी रातें जरे अपने आप को आंगन की फर्श से धारा से अलग हो रहे हैं विलुप्त हो रहे हैं निकल रहे हैं वह कोशिश कर रहे हैं जोर रहा है. The leaves stand towards the clouds. A small twig steep that's adjacent. पत्तियां शीशे की तरफ मुड़ रही हैं, शीशे की ओर मुखाती हो रही हैं. छोटी टहनियां small twigs steep. छोटी छोटी टहनियां ज्यादा मेहनत के कारण क्या रहे हैं. Adjacent long tangled bow. Suffering under the roof. क्या हो रहा है. छोटी छोटी टहनियां अत्यधिक मेहनत के कारण कड़ी हो जाती है. लंबी बुरी शाखाएं छत के नीचे लग रहा है कि रगड़ रहा है. लाइक न्यूली डिस्चार्ज इस तरह से लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स. ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से हॉस्पिटल में अस्पताल में नए नए मरीज जब भर्ती होते हैं और नई छुट्टी मिलती है उसी तरह से वे एकदम स्वतंत्र रूप से वह अस्पताल के गेट से वह क्या करते हैं औचक के होते हुए बाहर निकलते हैं. लगता है क्योंकि लग रहा है कि पैरों से पैरों में हाथ में जो जंजीर बनी हुई है उसको तोड़ते हुए वह आगे की ओर बढ़ते हैं. ठीक उसी तरह से ये शाखाएं ये पेड़ आगे की ओर बढ़ती है. I sit next paragraph. I sit inside door open to veranda.
राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई सेक्रेटली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस. द नाइट इज फ्रेश, द होल मून इज शाइनिंग, द स्काई इज स्टिल ओपन. द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीची स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इन टू द रूम्स. My head is full of whispers. This tomorrow will be silent. कभी क्या कहता है, कभी वह वर्णन करता है अपने सुंदर लेखनी लेखनी से लिखता है. वह कहती है कि मैं अंदर बैठी दरवाजे में, आंगन जो है वह खुला हुआ है, दरवाजे खुले हुए हैं, मैं उस पर एक अपना मंतव्य लिख रही. हो सकता है मैंने शायद अपने घर में जंगल की तरफ का प्रस्थान का वर्णन किया है, लेकिन मैं उनकी स्थिति को देख करके मैं अपनी लेखनी से उनके मंतव्य को, उनके गंतव्य स्थान तक का मैं वर्णन. रात स्वच्छ पूनम की रात, पूर्ण चंद्रमा अपने चांद लग रहा है कि अपने चांदनी, अपने चांदनी को बिखेर, पूरा चंद्रमा अभी खुले आसमान में फैला हुआ है, उनकी चांदनी जत्र तत्र फैला हुआ है. चंद्रमा एक शीशे की तरह लगा है, ब्रोकन टूट गया है, विभक्त हो गया है, जिसके टुकड़े क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहे हैं. करेंगे ऐसा नहीं, ऐसा माना जा रहा है, लेकिन जब आकाश में चांद बिखर रहे हों, उनकी चांदनी इस तरह से फैला रहे हों, पत्तियां और शैवाल जो होते हैं कमरे में इस तरह से लग रहा है निकल रहे हैं, उनकी कुछ गंध आ रही है, महक आ रही है, इस तरह से मानो उनकी कोई आवाज अभी मुझे पहुंचा रही है, मेरे मेरे मस्तिष्क के मेरे मेरे कानों के पीछे लग रहा है कोई कुछ साथ, कोई धीरे से धीमी आवाज में वह कोई बोल रहा है, कल जो है यह पूरा बिल्कुल शांत हो जाएगा, यहां पर कुछ नहीं रहेगा, पूरा शांत हो जाएगा. नेक्स्ट लिसन, द ग्लास इज स्पीकिंग. सुनो, द ग्लास इज स्पीकिंग. वृक्ष रात में जैसे बाहर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्या द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इन टू द नाइट विंटर्स टू मीट मी. उस वृक्ष से मिलने के लिए हवा जो है वो आतुर हो जा रहे हैं, किस तरह से जाकर के हमको वृक्ष निकल रहा है, कैसे हम जाकर उस वृक्ष से जाकर के आलिंगन करें, मिले मिल पाएंगे कि नहीं. द ग्लास इज स्पीकिंग, ऐसा लग रहा है शीशा वो क्या रहा है, द ट्री इज स्टम्बलिंग फॉरवर्ड टू द नाइट. रात में आगे की ओर बढ़ रहे हैं वृक्ष, विंड रश टू मी, हवा जो है उसे मिलने के लिए जा रही है. द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, ऐसा लग रहा है कि उनकी स्थिति गति को देख करके चांद जो है टुकड़ों में विभक्त हो रहा है, इस तरह से लग तो रहा है मानो कोई सीसा यदि पत्थर लगता हो या गिर जाता हो तो वह टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त हो जाता है. इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ऑफ, इस तरह से लगता है इसके टुकड़े लग रहा है, ये पीसेज ऑफ नाउ क्राउन टॉलेस्ट ऑक ट्री, एक ऑक का वृक्ष होता है जिसको बलूत कहते हैं हिंदी में, बलूत के पेड़, इस तरह से ऐसा लग रहा है कि उसका उससे वह चमक उठा है, इस तरह से उनकी निराई कर रहा है. A dying witch was born in Baltimore, Maryland, USA in 1929. She is the author of nearly 20
volumes of poetry and has been called a famous and radical poet. In this poem, the poet describes this, that arrival and departure condition of the trees. Such condition was impressed. That's all. In this poem, the trees also give a message to protect the trees. That's all. You have to write the word meaning, hard meaning, and as the book, learn by heart. Learn by heart. Next, write the idea of central idea of this.